कि नॉट रिचेबल एक काही व्यक्ति थर्टी अते बाकी निव्यवस्थित काम करो दो तो आणि उद्या जाता एक नमुना आपल्याला बघायला मिळेल महाराष्ट्रात जनतेना प्रॉमिस करतो मी उद्या ठाकरे सरकारचा आणखीन एक घोटाळा मी जनतेसमोर ठेवणार आहे। हर वक्त संजय राउत मैंने आपको ये 12 घोटाले उसने जो घोटाले के नाम पे स्टंटबाजी की थी संजय राउत स्टंट करने एक का भी पुरावा नहीं दिया। दो बार तीसरी बार कोर्ट ने तीसरी बार नील सोमैया के केस में पहले सेशंस कोर्ट में मुंबई पुलिस ने कहा कुछ भी नहीं है, हाई कोर्ट में ठाकरे सरकार ने कहा और किरीट सोमैया के केस में कल वापस हाई कोर्ट ने यही पूछा मुंबई पुलिस को राज्य सरकार को 57 करोड़। तो क्यों क्यों उद्धव ठाकरे ने 57 करोड़ की चार बिल्डर मनी लॉन्ड्रिंग नील सोमैया की कंपनी में अकाउंट पैसे गए क्यों नहीं दिए ये जानकारी। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने एसआईटी बनाई नवलानी चार ईडी ऑफिसर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा चार इतना पैसा गायब किया क्या हो गया वो भाई 2 महीने हो गए ना म्हणून हे सगळं ठाकरे सरकार के घोटाळे बाहेर आले की काहीतरी नवीन टन आता मुंबईला वेगळं करतो दादा माझा काय संबंध भारतीय जनता पक्ष किरीट सोमय्याचं स्पष्ट म्हणणं आहे मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी आहे मुंबई महाराष्ट्राचा अविभाज्य अंग आहे मुंबई ही मुंबई आहे मुंबई महाराष्ट्राची आहे। ये संजय राऊत हर वक्त ऐसे कुछ 5-15 कागज रद्दी वाले के हाथ से लिखा ऐसे कोड़े दिखाता है मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करो विषय कहा था अभी किरीट सोमैया ने जिंदगी भर यह कहा है भारतीय जनता पार्टी का कहना है मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई मेरी मेरा जन्म मुंबई में हुआ मुंबई के लिए हमें अभिमान है महाराष्ट्र के लिए अभिमान है और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये स्टंटबाजी करके संजय राउत उद्धव ठाकरे के कहने पर इनके घोटालों पे पर्दा डालने का प्रयत्न करेगा करेंगे कल उद्धव ठाकरे साहब आपके परिवार की और एक कंपनी का घोटाला जनता के साथ